वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फाउंडिया। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। सो व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होती है, एक डॉक्टर का एक पेपर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंडिविजुअलाइज्ड एक प्रिस्क्राइबर जो है वो पेशेंट को देता है। ठीक है, तो उसको ये पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। ठीक है, सो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। प्रिस्क्रिप्शन का एक जनरल लेआउट जो है वो ये है कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है कि पेशेंट, सबसे पहले प्रिस्क्राइबर की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद जो होती है पेशेंट की कुछ डिटेल्स होती है। ठीक है, उसमें नेम एज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट की, और उसके बाद करंट मेडिकल डिजीज, करंट डिजीज जो भी पेशेंट को है। ठीक है, उसके बाद प्रिस्क्राइबर जो है उसकी जो है वो जो मेडिकेशन जो उसको वो प्रिस्क्राइब कर रहा होता है वो लिखी होती है। ठीक है, उसके बाद होती है फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखी होती है कि मेडिकेशन 2 times a day लेनी है, 1 times a day है। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे जो है वो प्रिस्क्राइबर की अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद ये जो है एक जनरल व्यू है कि अगर जनरल हम कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देखें तो वो इस तरह की होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। ऐसे बेसिकली ये बताया हुआ कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ठीक है, टेलीफोन नंबर टू कॉन्टैक्ट द प्रिस्क्राइबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डेट व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन वाज रिटन, नेम ऑफ द मेडिकेशन जो कि जेनेरिक भी हो सकता है, ब्रांड नेम भी हो सकता है। ठीक है, ऑल ड्रग्स आर अप्रूव्ड, अ नेम रिलेटेड विद द केमिस्ट्री एंड मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, ब्रांड नेम इज बेसिकली ट्रेड नेम, शॉर्ट नेम होता है, इजी टू नहीं पता। जब भी आप फार्मेसी पे जाते हैं तो आपको वहाँ पर जाके ब्रांड्स लिखे होते हैं, आप ब्रांड्स बता देते हैं कि ये मेडिकेशन हमें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशन मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ब्रांड नेम इज बेसिकली ट्रेड नेम और द मैन्युफैक्चरर्स नेम। ठीक है, और उसके बाद आती है टोटल अमाउंट विच इज टू बी डिस्पेंस्ड एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, के टोटल अमाउंट कितनी डिस्पेंस करनी है, मतलब 16 ml फ्लूइड डिस्पेंस करना इन केस ऑफ सीरप्स। ठीक है, और अगर टैबलेट्स हैं तो 30 tablets देनी है, 20 tablets देनी है, 10 capsules देनी है। ठीक है, तो इस तरह की। और फिर आ जाती है पार्ट्स, इसमें आ जाती हैं डेट, नेम, एज, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस एंड सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पार्ट, सबसे पहले डेट आ जाती है, डेट शो करती है कि प्रिस्क्रिप्शन कब जनरेट हुई थी। ठीक है, एंड हाउ लॉन्ग द ट्रीटमेंट विल लास्ट। देन कम्स द नेम, एज। ठीक है, उसमें आ जाती है पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, फॉर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर प्रेफरेबली डोज कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन, एक प्रिस्क्राइबर के पास डिफरेंट एज ग्रुप्स के पेशेंट्स आते हैं, एल्डरली भी हो सकते हैं, यंग पेशेंट्स भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन बेसिकली मेन पार्ट है, इसमें ड्रग का नाम, ठीक है, और उसकी डोज लिखी होती है, स्ट्रेंथ लिखी होती है। ठीक है, फिर आ जाए सुपरस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है रेसिपी। ठीक है, जो साइन हमें नजर है इसका प्रिस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है रेसिपी यू टेक। ठीक है, इंक्लूड्स द डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन, इसमें फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस, कितनी नंबर ऑफ डोजेस जो है वो पेशेंट को डिस्पेंस करनी है, लाइक 20 tablets देनी है। ठीक है, फॉर 10 days। ठीक है, इसके अलावा ये है कि 7 days के लिए अगर दे रहे हैं तो आपने 7 tablets उसको देनी है। ठीक है, कितने ml fluid है, 16 ml fluid देना है, 10 ml fluid देना है, तो दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ डोज ना। देन है सब्सक्रिप्शन, इट इज बेसिकली द प्रिस्क्राइबर गिव्स डायरेक्शन टू द पेशेंट, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड द नंबर ऑफ डोजेज। ठीक है, तो ये होगी। उसके बाद आ जाता है सिग्नेचर, सिग्नेचर बेसिकली है इट इज अ डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, इसमें प्रेस्क्राइबर में सिग्नेचर के अंदर, ठीक है, इसमें प्रेस्क्राइबर ने पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन लिखी होती है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, क्वान्टिटी, ये क्वांटिटी कैसी है, एंड क्वांटिटी कितनी लेनी है। ठीक है, 2 times a day लेनी है, 1 times a day लेनी है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग होगी। ठीक है, क्वांटिटी होगी कि 10 mg आपने इस टाइम लेनी है। ठीक है, 5 mg लेनी है उसके बाद, तो ये उसकी क्वांटिटी होगी मेडिकेशन। फिर फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग है कि 1 times a day, 2 times a day, 3 times a day। ठीक है, तो एट बेड टाइम लेनी है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट एब्रीविएशन होती हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं अलीगल, बेसिकली ये जो है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल प्रिस्क्रिप्शन की, ये सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, देन कम्स द रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर यह है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रिस्क्रिप्शन नीड्स टू बी रिपीटेड। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को कब रिपीट, आफ्टर 7 days, आफ्टर 10 days, आफ्टर 15 days। ठीक है, और कब दोबारा आपने वापस प्रिस्क्राइबर के पास लेकर आनी है। उसके बाद है नेसेसरी फॉर द ड्रग्स, बेसिकली ये उनके लिए जिनकी डिपेंडेंस हो जाती है या जिनको पेशेंट जो है वो ओवरडोजिंग में ले सकते हैं, टॉलरेंस हो सकती है नारकोटिक्स वगैरह, और मिसयूज को, बेसिकली ज्यादातर मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए रिन्यूअल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
उसके बाद है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पेशेंट, या ऐसी ड्रग्स जिनकी ओवरडोजिंग से टॉक्सिसिटी हो सकती है तो इसलिए रिन्यूअल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पेशेंट, इसमें यह है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए प्रेस्क्राइबर के इन फॉर इमरजेंसी पर्पज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये आपको एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन दिखाई दे, देखें इसके अंदर सबसे पहले जो है वो एक डीए, इट्स बेसिकली अ नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर व्हिच इज प्रिस्क्राइब टू द हेल्थ केयर पर्सनल्स को दिया जाता है, ठीक है, ऑथराइज किया जाता है उनको, ठीक है। ये हमारे पास है प्रिस्क्राइबर की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एन क्यू 1456 स्ट्रीट एप्पल वाई स्ट्रीट, ठीक है, तो ये प्रिस्क्राइबर की इन्फॉर्मेशन है। देन कम्स नेम, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, नेम एज एड्रेस डेट, ठीक है, इसमें मेल फीमेल भी होता है, ठीक है, एज के साथ के मेल पेशेंट है या फीमेल पेशेंट है, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद आती है प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज नोन एज द सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसके अंदर वो डोज और उसकी मेडिकेशन और उसकी डोज लिखी होती है, ठीक है जी। तो ये होगी फिनोबार्बिटल वगैरह दी हुई है इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास यह आदि है सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन है कि उसने कितनी डोज जो है वो डिस्पेंस करनी है, ठीक है, लाइक जिसमें इसके अंदर आपको नजर आ रहा है फिजोल एलिक्सर, ठीक है, एंड डिस्पेंस 16, ठीक है, 16 फ्लोरिड के लिए, ठीक है, 16 फ्लोरिड पॉन्स, ठीक है। तो ये आपको ये बताई हुई है कि ये बेसिकली क्या है हमारे पास सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि थोड़ी सही नजर नहीं आती इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है, बता दिया आपको, ठीक है। और ये है इंस्क्रिप्शन, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, ठीक है, दिस इज बेसिकली द इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन थी हमारे पास, ये इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर बताया हुआ कि, ठीक है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, रीफिल की इंस्ट्रक्शन, कि आफ्टर 7 डेज आपने दोबारा प्रिस्क्राइबर के पास आना, 10 डेज बाद आना, ठीक है, तो इट इज काउंटेड इन द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है दिस इज द सिग्नेचर डायरेक्शंस टू द पेशेंट, ठीक है, कि उसने कब कब मेडिकेशन लेनी है, दिन में लेनी है, रात में लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, तो दिस इज ऑल दैट, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर ये तो होगी एक प्रिस्क्रिप्शन का आपको लेआउट पता चल गया। उसके बाद आती है और ये डेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन अगर टैबलेट की प्रिस्क्रिप्शन है तो कैसे लिखा है, देखें ये जो है वो एक वैसे हम इसको जो है वो ठीक है, ये भी प्रिस्क्रिप्शन है, ये सबसे पहले डेंटिस्ट की, ये एक डेंटिस्ट की जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डेंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन और डेट वगैरह, उसका एड्रेस और फोन नंबर। देन आ जाती है सुपरस्क्रिप्शन के यू टेक सिंबल, ठीक है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, सब्सक्रिप्शन विच इज द डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट, ठीक है, एंड देन कम्स द सिग्नेचर विच इज डायरेक्शन फॉर द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोर्टल में पेशेंट की इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल दैट अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद इसमें प्रोसीजर फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, रिसीविंग आ गई, क्लिनिकल एंड लीगल चेकिंग, असेंबली ऑफ द प्रोडक्ट एंड लेबलिंग, एक्यूरेसी चेकिंग द प्रोडक्ट अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन, हैंड ओवर द प्रोडक्ट टू द पेशेंट विद अप्रोप्रिएट एडवाइस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इन सब पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको पेशेंट से जो बात करी थी, बेसिकली ओएन मीन्स एवरी मॉर्निंग, ओएन मीन्स एवरी नाइट, इस तरह की जो सिम्बल्स हैं वो एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखे होते हैं, ठीक है। पीओ मीन्स ओरल या बाय माउथ, ठीक है, क्यूएस मीन्स असफिशियंट क्वांटिटी, एचएस मीन्स एट बेड टाइम, ठीक है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी होती है। सो हैंडलिंग में सबसे पहले मैं देते हैं रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें यह है कि फार्मासिस्ट क्या चेक करता है कि अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट, ठीक है, रीड करता है और उसको चेक करता है प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें एक ये सब फार्मासिस्ट का ही काम है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल एंड लीगल चेकिंग, फिर उसके बाद फार्मासिस्ट का काम यह है कि वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करते हैं आइदर इट इज करेक्ट, ठीक है, इफ देयर इज एनी एरर्स हैं, कोई ड्रग इंटरेक्शन है, लीगली कंप्लीट है, मतलब कोई ऐसी ड्रग तो नहीं है जो बैन है और इसमें प्रिस्क्राइब की हुई है, ठीक है, मतलब ओबेइंग द लॉज ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद देते हैं इन केस ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन एक्शन मस्ट बी टेकन, अगर कोई डोज मिसिंग है या कोई स्ट्रेंथ मिसिंग हो गई है तो फार्मासिस्ट का काम है कि वो प्रिस्क्राइबर से कॉन्टेक्ट किया, इन केस के अगर प्रिस्क्राइबर ना अवेलेबल हो तो फार्मासिस्ट की बात भी अथॉरिटी होती है कि वो उसको लिख सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कि मस्ट चेक द क्लिनिकल स्टेटस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, क्लिनिकल स्टेटस वही इसके लिए जो है एक निमोनिक यूज किया जाता है, दैट इज आइडियल केस, ठीक है। इसको आगे चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली फार्मासिस्ट जो है वो क्लिनिकल स्टेटस को चेक करता है। सो फर्स्ट इज द इंटरेक्शन डोज, ठीक है, आइडियल आई से इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, ठीक है, और अगर कोई इंटरेक्शन है तो वो उसको मेंशन करेगा, ठीक है, ताकि जो है वो पेशेंट को इस चीज़ का आइडिया हो, ठीक है, तो मतलब इंटरेक्शन के बारे में वो देखेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डी, दैट इज द डोज, डोज जो है वो इन मतलब जितनी एक किसी ड्रग की डेली डोज है उतनी इसके अंदर प्रिस्क्राइब की गई, उससे वो ज़्यादा ओवरडोजिंग तो नहीं हो रही पेशेंट के लिए, ठीक है, एविडेंस ऑफ हार्म बेनिफिट। फिर ये भी देखता है कि अगर कोई ये ड्रग जो है इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं आ रहा या इससे कितना बेनिफिट है, तो इस तरह की चीज़ अप्रोप्रिएट है, ठीक है,
सेफ एंड ईजी टू यूज़ है, अप्रोप्रिएट है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, कोई मेडिकेशन एरर तो नहीं है, ठीक है। तो ये देखते हैं, उसके बाद लीगल एंड कम्प्लीट, लीगल एंड कम्प्लीट इट इज़ ओबेइंग द लॉज, ठीक है, और कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है, वो ये भी देखता है कि ये पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है या नहीं, ठीक है, ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो ये भी वो देखता है। उसके बाद क्या है, एक्सेप्टेड, कि अगर इन केस या अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो वो कोई और ब्रांड जो कि विद इन, जो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो भी दे सकता है, अगर उसकी एफिकेसी उतनी ही है, लेकिन विद दी परमिशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर, या वो प्रिस्क्राइबर को ये बात बताएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल है मेडिकेशन या नहीं, ठीक है, सो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसा एरर तो नहीं है, या उस फार्मासिस्ट को ये लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छी कोई मेडिकेशन हो सकती है, तो वो प्रिस्क्राइबर को इन चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर या इफेक्टिव मेडिकेशन होती है, सेफ एंड इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल द आइडियल केस निमोनिक, जो कि एक पेशेंट जो है, एक फार्मासिस्ट जो है, वो पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन को इस तरह से चेक करते हैं, इन फैक्टर को माइंड में रखते हुए वो सारा कुछ चेक करता है प्रिस्क्रिप्शन क्लिनिकली, ठीक है। उसके बाद असेंबली ऑफ द प्रोडक्ट एंड लेबलिंग, उसके बाद ये है कि इट इन्वॉल्व द लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए टू इंश्योर कि पेशेंट इज कैरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। कुछ ऐसी, क्योंकि ये इन केस होता है कि अगर कुछ मेडिकेशंस के जो है वो प्रोनाउंसिएशन सेम है तो उससे थोड़ी सी गलती हो सकती है, सो ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर प्रोडक्ट मेंशन है ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट का काम है इंश्योर करना, पिकिंग द रॉन्ग स्ट्रेंथ या प्रोडक्ट जो है वो उसे इस स्टेज के ऊपर या इस केस में एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी, चेकिंग द प्रोडक्ट अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद टू इंश्योर देयर इज नो एरर इन द डिस्पेंसिंग प्रोसेस, ठीक है, ये इंश्योर करना कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस के अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है जी। तो मतलब डिस्पेंस करते हुए पेशेंट को कोई गलती नहीं आनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन, टू मिनिमाइज द रिस्क टू द पेशेंट, ये किस लिए जरूरी है, ताकि पेशेंट को कोई रिस्क ना हो, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हैंड ओवर द प्रोडक्ट टू द पेशेंट विद अप्रोप्रिएट एडवाइस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी मेडिकेशन है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल एडवाइस है, तो वो जो है वो फार्मासिस्ट को मेंशन करनी चाहिए, ठीक है, और उसको काउंसिल भी करना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि जितनी भी के पेशेंट जो है उसके एडवाइस को फॉलो कर सकता है, ठीक है, इतनी उसको पता चले, मतलब वो काउंसलिंग अगर उसकी करेगा या उसको अगर थोड़ा सा एडवाइस करेगा या लेबल के ऊपर जो उसकी इन्फॉर्मेशन की वो इनफ है कि फार्मासिस्ट जो पेशेंट है वो उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो ये इंश्योर करना, आफ्टर फाइनलाइजिंग द मेडिकेशन तो प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो फाइनली फार्मेसी पे पेमेंट के लिए भेज दिया जाता है। सो दिस इज ऑल द हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन या प्रोसेस, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, जिसमें हमने ये सारे के सारे 5 स्टेप्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास डिफरेंट फार्माकोपियास हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट फार्माकोपियास हैं जिनको हम फॉलो करते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर ड्रग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, BNFF, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास और हमारे पास जो है वो ये इन्फॉर्मेशन रेफरेंस बुक्स हैं जिनसे हम जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो फार्मासिस्ट के पास जो है वो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, विच इज इनसेसरी फॉर द क्लिनिकल चेक ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर फार्मासिस्ट के पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होगी तभी वो पेशेंट के लिए भी हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर न्यू ड्रग में कोई न्यू मार्केट में कोई न्यू ड्रग आ रही है तो उसके बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दी, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी क्या एफिकेसी है, तो ये सब चीज़ें जो है वो डिफरेंट रेफरेंस बुक से हमें मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आइडियल प्रिस्क्रिप्शन। आइडियल प्रिस्क्रिप्शन अब कैसी होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, एब्रीवेशन फ्री होनी चाहिए, ज़्यादा एब्रीवेशन लिखी नहीं लिखी होनी चाहिए, ताकि जो भी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है उसके लिए आसानी हो, ठीक है, उसके लिए कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। क्लियर एंड स्पेसिफिक डायरेक्शंस होनी चाहिए, ठीक है जी, क्लियर कट होनी चाहिए, ऐसे ट्विस्टेड सी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस होनी चाहिए, क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ये पेशेंट ने लेनी है, ये फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस करनी है, ठीक है। तो ये होगी एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। तो यही मैंने आपको पहले भी दिखाई, ये एक जनरल सी प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसमें आ गई एंड दिस इज द एब्रीविएशन, ठीक है जी। तो ये एब्रीवेशन पहले भी दिखाई थी, दोबारा दिखा दी आपको, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रेस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस एनी स्पेसिफिक टॉपिक डू टेल मी इन द कमेंट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।